टिहरी जिला मुख्यालय से सटे सारजुला पट्टी के 3 दर्जन से अधिक गांव में रहने वाले ग्रामीण पानी की किल्लत के चलते परेशान हैं। शिकायत के बावजूद जल निगम और जल संस्थान सुद नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सारजुला पंपिंग योजना को संचालित करने में जल संस्थान आनाकानी कर रहा है, जिसके चलते पेयजल की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह है कि जिला मुख्यालय से सटा हुआ क्षेत्र हमारा है सारजुला क्षेत्र, इसमें लगातार विगत 20 दिनों से पंप ऑपरेटरों का पानी न खोलना, और जब पंप ऑपरेटरों को जब अधिशासी अभियंता जल निगम अधिशासी अभियंता जल संस्थान से हमारे जनप्रतिनिधि हम लोगों ने संपर्क किया तो दोनों विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारी योजना नहीं है। इस योजना पे करीब 30 करोड़ रुपए खर्च हो गया है। 30 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी जनता को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है कि अगर शीघ्र ही जनता की समस्या हल नहीं हुई, पानी की समस्या हल नहीं हुई, तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। 30 करोड़ की लागत से बनी सारजुला पंपिंग योजना का निर्माण इसलिए किया गया था कि ग्रामीणों की प्यास बुझ सकेगी। जल संस्थान से पंप ऑपरेटरों को कई महीनों से तनख्वाह भी नहीं दी गई है, जिसके चलते काम भी ठप पड़ा है। अब ऐसे विभागीय अधिकारी की अंतर्कलह का हर्जाना ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जल निगम और जल संस्थान से बात हुई तो इसमें जो इनके पानी के लाइन मैन है, उनकी हड़ताल चल रही है, पानी कहीं चल नहीं रहा, आज 15 से 20 दिन हो गए, और उसमें जो उनका जो इनका पे का तनख्वाह का मामला है, तनख्वाह में जल निगम बोल रहा है कि जल संस्थान के कर्मचारी है, संस्थान बोल रहा है कि जल निगम के कर्मचारी है, तो इनको तनख्वाह कौन देगा? ये लोग बेचारे 6-6 महीने से तनख्वाह न मिलने के कारण इनका भी परिवार का जो भरण पोषण भी दिक्कत आ रही है इसलिए। वहीं जल निगम अधिशासी अभियंता ने गेंद जल संस्थान के पाले में फेंक कर पलड़ा झाड़ दिया है। पंपिंग योजना जो है करीब 1 साल पहले ही जल संस्थान को हैंड ओवर हो चुकी है, और उसमें 6 माह तक हमें संयुक्त रूप से उसको देख रेख करनी थी। 6 माह लगभग 31 अक्टूबर को पूर्ण हो चुके हैं जी। सर आप कौन पानी देगा सर, जल संस्थान देगा या जल निगम देगा सर? नहीं, जल संस्थान वहाँ सप्लाई कर रहा है जी। सर तब नहीं, ऑपरेटर की कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑपरेटर का जो हमारा संचालन था वो देहरादून की NM डिवीजन करती थी, तो ऑपरेटर की जो प्रॉब्लम होगी उसको पता। विभागों के फेरे में फंसे 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जल निगम और जल संस्थान ने तो ग्रामीणों को पानी पिलाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ग्रामीणों की प्यास आखिर बुझाएगा कौन? टिहरी से सूर्य प्रकाश रमोला की रिपोर्ट।